और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा की साइकिल यात्रा, अखिलेश यादव के निर्देश पर यह यात्रा निकाली जाएगी। साइकिल यात्रा 5 अगस्त को सभी जनपदों में निकाली जाएगी। तहसील स्तर पर यह साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। सपा के वरिष्ठ नेता हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। सपा ने वरिष्ठ नेताओं के नामों की सूची भी जारी कर दी है और ओम पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम पांडे, साइकिल यात्रा तो सिर्फ बहाना है, मकसद 2022 में वोटरों को लुभाना है। बिल्कुल संतोष, जैसा कि आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से हाल ही की बात कही जाए, लगातार सियासत है वो लगातार गर्म है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में तमाम जो कार्यक्रम है वो इसी के तहत किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी जनपदों के तहसीलों स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम का आदेश दिया है। कोई छोटे लोहिया और जनेश्वर मिश्र की बात कही जाए, जो जिनको छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता था, 5 अगस्त को उनकी जयंती है, इसी अवसर पर उन्होंने सभी जो पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के तहसील स्तर पर साइकिल यात्रा निकालने की बात कही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से विकास के जो तमाम एजेंडे थे, शपथ पत्र थे, जिस तरह से उन्होंने तमाम, चाहे बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य हो, तमाम ऐसी मुख्य चीजें हैं जिनको लेकर के इस तरह का साइकिल यात्रा वो उत्तर प्रदेश में निकाली जाएगी। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आदेश दिया है, साफ तौर से इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और तमाम बेरोजगारी, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जिनको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाती रही है। इसी मुद्दे के तहत जो है उत्तर प्रदेश में जो है तहसील स्तर पर जो समाजवादी पार्टी है वो साइकिल यात्रा निकालने जा रही है कल, जहां इसका आगाज होगा और इसके बाद साथ साथ जो है जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इसको हरी झंडी दिखाएंगे, यानी जिले के जो वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे उनका नाम का ऐलान कर दिया गया है। वो तमाम जो लोग होंगे, चाहे सांसद हों, पूर्व विधायक हों, मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, उन सब तमाम जो जनपद के वरिष्ठ नेता हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। वो तमाम जो लोग हैं वो तहसील स्तर पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो हरी झंडी, उसके बाद पार्टी के पदाधिकारी उन्हें हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना करेंगे। ओम पांडे, आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।